Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSAT 2023, today we will discuss some important questions based on percentage. Okay, सभी ने मेरे साथ में questions को solve करना है and check करना है कि कितना percentage का concept आपका clear है और कितनी और practice required है percentage पे. Okay, so let us start. Yes, first question is on the screen. There is the first question on the screen. देखिए क्या है क्वेश्चन. ए पर्सन कुड सेव 10% ऑफ हिज इनकम. कह रहे कि जो उसकी इनकम है एक पर्सन की उसका 10% वो सेव करता है. बट टू इयर्स लेटर व्हेन हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20% ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर. कहता है कि दो साल बाद उसकी इनकम इंक्रीज हो गई. कितनी इंक्रीज हो गई? 20% से इंक्रीज होगी. बट अभी भी वो कितनी अमाउंट सेव कर रहा है? जितनी की पहले कर रहा था. बट यहाँ पे देखो क्या है. Here the saving is in the percentage and after 2 years the saving is in amount. Okay? यहाँ पे बस थोड़ा सा इसी का ध्यान देना. अब आगे क्वेश्चन, by how much percent has his expenditure increased? उसका expenditure कितना percent increase हुआ? Okay? So let us say कि उसकी जो income है that was 100 rupees. 100 क्यों ले रहे हम? रीजन बेंग कि जब परसेंटेज में है वैल्यूज तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना इजी हो जाता है व्हेन द वैल्यू इज 100. ओके, सो लेट अस से इट इज 100. ओके, इनिशियल इनकम हम कितनी कंसीडर करके चल रहे हैं उसकी कि 100 रुपीज. डन. अब उसने कहा कि 10% उसकी सेविंग है. दैट मीन्स कि जो सेविंग है वो कितनी है? 10 है. एक्सपेंडिचर कितना है उसका? 90. टोटल 100 है ना, तो 100% 10 का. अगर मान लो मेरे पास में 10% की सेविंग है, 100 में से मैंने 10% फाइंड आउट करना, देन इट विल बी द सेम अमाउंट है ना. तो ये कितना रह गया अपने पास में? 10. और एक्सपेंडिचर कितना है? 90. अभी कह रहा है कि आफ्टर टू इयर्स लेटर अगर मैं बात करूं तो ये क्या कह रहा है कि इनकम इंक्रीज हो गई बाई 20%. दैट मीन्स उसकी जो न्यू इनकम है वो कितनी हो गई? 120. कितनी हो गई न्यू इनकम? 100 थी, अभी कितनी हो गई? 120 हो गई. बट कह रहा है कि अभी अमाउंट सेविंग उतनी ही है. अब सेविंग के अंदर इट इज नॉट 10%, इट इज द सेम अमाउंट. सो वी विल चेक द अमाउंट. हियर द अमाउंट इज 10. दैट मीन्स कि सेविंग उसकी अभी भी कितनी है? 10 है. टोटल कितना गिवन है? 120. 120 में से सेविंग कितनी है? 10. दैट मीन्स बाकी क्या है? रिमेनिंग पार्ट इज एक्सपेंडिचर. सो एक्सपेंडिचर कितना है? 110. यहां तक किसी को कोई भी डाउट? आई होप सभी को क्लियर है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच परसेंटेज हैज हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज. अब एक्सपेंडिचर को अगर मैं चेक करूं तो यहां पे कितना था? 90. अभी कितना हो गया? 110. ओके, दैट मींस कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है. कितने से इंक्रीज हुआ है? बाय 20. और अगर मैं बात करूं कि एक्सपेंडिचर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? जितना भी इंक्रीमेंट है डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर करोगी? प्रीवियस से. प्रीवियस वाज 90. सो दिस इज 20/90. दिस इज 2/9. 1/9 इज इक्वल टू व्हाट? 11:1/9%. सो 2/9 कितना हो गया? 22:2/9. सो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. डन. अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे भी कर सकते हो. ओके, सो जब आप सोल्व करोगे वैल्यू विल बी सेम, 22:2/9%. डन. क्लियर? क्वेश्चंस को जितना इजीली आप समझ सकते हो उतना उसको इजी करने की कोशिश करो कॉम्प्लिकेटेड की बजाय. अगर अब यहीं पे आप एक्स लेके इस क्वेश्चन को करते कि हाँ जी उसकी इनकम कितनी है एक्स, उस केस के अंदर कैलकुलेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. सो हमने क्या करना है? इसको 100 कंसिडर करके कर लेना. डन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. क्या है क्वेश्चन? If the numerator of a fraction be increased by 15% and its denominator is diminished by 8%, the value of the fraction is 15/16. Then find the original fraction. कह रहा original fraction बताओ. Okay? अब देखो हम ये consider कर लेते हैं कि original fraction जो है that is x by y. Original fraction कितना consider कर लिया हमने? x by y. Now
व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ है 15%। अब बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू हो वो अपने आप में कितनी होती है 100%, इट इज 100% इट इन सेल्फ। ओके सो अगर मान लीजिए ये 15% इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया 115%, और जो डिनोमिनेटर है दैट इज डिमिनाइज्ड, दैट मीन्स डिक्रीज्ड बाय 8%। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, दिस इज 100%। ओके 8% डिक्रीज हो गया, सो नाउ इट इज 92%। ओके सो दिस इज 92%। न्यू फ्रैक्शन इज 15/16, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 23 की टेबल से जा रहा है ये 23 फोर जा, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में दिस वाज 115 डन। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, दिस इज 3, दिस इज 4, सो एक्स बाई वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, दिस इज 3/4, कितना आ गया 3/4, सो आंसर इज ऑप्शन सी 3/4। क्लियर, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, क्या है हमने कंसीडर कर लिया कि फ्रैक्शन कितना है x बाई वाई, इंपॉर्टेंट टाइप है, रिपीटेडली एग्जाम के अंदर आती है। आपके पास में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी गिवन हो सकता है, यहाँ पे जितना भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है आपने वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। इफ इट इज इंक्रीमेंट देन यू विल एड, ओके बाय डिफॉल्ट इट इज 100%, इफ इंक्रीमेंट इज 15% दैट मीन्स इट विल बिकम 115। ओके हेयर डिमिनाइज्ड बाय 8% दैट मीन्स की डिक्रीज बाय 8, कितना हो गया 92। सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है। अब यहाँ पे देखो जैसे इक्वल टू का साइन है तो बेटा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ आप कैंसिल आउट कर सकते हो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में कैंसिल आउट कर सकते हो, सो वैल्यू विल बी 3/4। ओके सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, इन हाउ मैन इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ रिफाइंड ऑयल रोज बाय 25%, कह रहा है कि रिफाइंड ऑयल का प्राइस बढ़ गया कितना 25%, अब प्राइस बढ़ गया है बाय हाउ मच परसेंट ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन, उसको अपनी कंजप्शन को कह रहा है कितना कम करना पड़ेगा सो दैट एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज, एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ओके दैट मीन्स कि एक्सपेंडिचर क्या है हमारे पास में, फिक्स है, कॉन्स्टेंट है। जब आपके पास एक वैल्यू कॉन्स्टेंट है देन क्या है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है और जो कंजप्शन है वो क्या होगी आपके पास में, ऑब्वियसली फिर डिक्रीज करनी पड़ेगी। मीन्स व्हाट कि प्राइस और कंजप्शन क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स उल्ट हो जाएगा, मीन्स कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रखना है हमने जो तीसरा वेरिएबल है दैट शुड बी कॉन्स्टेंट, जैसे अब यहाँ पे जो तीसरा वेरिएबल है दैट इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। जब फिक्स है उस केस के अंदर आप इसको डायरेक्टली रेशियो मेथड से कर सकते हो, देखो कैसे। अब देखो अगर हम बात करते हैं प्राइस की, ओल्ड न्यू, अगर मैं कहूं कि भाई पहले जो प्राइस है दैट वाज 100 अभी बढ़ गया दैट मीन्स कि कितना हो गया 125। ओके मीन्स कि अगर हम इसकी रेशियो चेक करें तो कितना हो गया आपके पास में, दिस इज 4:5। जब प्राइस की रेशियो कितनी है 4:5 मीन्स व्हाट कि आपकी जो कंजप्शन है कंजप्शन की रेशियो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। हाँ जी कंजप्शन की रेशियो क्या हो गई 5:4। ओके अब बात आती है कि उसने कहा कि कितना परसेंटेज से उसकी कंजप्शन कम होगी, हाउ मच परसेंट मस्ट ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने कितना रिड्यूस किया, 5 थी 4 होगी दैट मीन्स कि 1 यूनिट। ओके अगर हम चेक करें कि हाँ जी कितना रिड्यूस किया उसने कंजप्शन को, दैट इज 1 यूनिट। अगर हम कहें कितना परसेंटेज किया, कितना परसेंटेज रिड्यूस किया, तो अगर हम परसेंटेज चेक करेंगे दैट मीन्स कि किसके कंपैरिजन में पहले हमने फाइंड आउट करना है, किसके कंपैरिजन में फाइंड आउट करेंगे, प्रीवियस, और प्रीवियस कितना है, दिस इज 5, सो दिस इज 1/5।
5 and the value for 1 by 5 is 20%. So directly आप लिख सकते हो 20%. अगर directly आपको fractional 2% learn नहीं है, in that case divided by 100, sorry multiply by 100, so it will be 20%. Done. So answer क्या आ जाएगा आपके पास? 20%. B will be the correct answer. Okay. So next question देखते हैं. Next question है screen पे. Next question क्या है? Shobha's mathematics test had 75 problems. कितनी problems है? कह रहा 75 problems है mathematics के test में, जिसमें कि 10 arithmetic की है, 30 algebra की और 35 geometry की है. Total कितनी problems given है? This is 75. ठीक है? arithmetic की है 10, algebra की है आपके पास में 30 and geometry this is 35. ये given है आपके पास data. अब उसके बाद कह रहे हैं although C answered 70% arithmetic. अब इसके अंदर से उसने answer कितने का किया है? 70% arithmetic. So, अगर मैं इसका 70% देखती हूँ, that means कि कितना? 7. Okay? Easy है. देखो बेटा, जब भी percentage आपके पास में given है, तो क्या करेंगे? 0 से 0 तो cancel out हो जाएगा. हमें पता है कि जैसे ये है, इसका मैं 70% निकालूंगी. In that case, I will divide it by 100. So, जो 2 zeros हैं, वो automatically cancel out हो रही है. So, there is no need to solve like this. Mind में solve करेंगे कि भी 10 into 10, क्या आ रहा है आपके पास? 70%. 70% कितना आ गया आपके पास? 7. देखो डायरेक्टली कोशिश कर रही है सभी ने. उसके बाद है 40% ऑफ एलजेब्रा. एलजेब्रा की है 40%. यस, परसेंटेज के साथ में दो जीरोस कैंसिल आउट होगी, कितना आ गया आपके पास? 12. एंड 60% ऑफ ज्योमेट्री. 60% है ज्योमेट्री की, बट हियर वी हैव ओनली वन जीरो. कैसे करेंगे? एक जीरो के लिए इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे, इसको 2 से. कितना आ गया आपके पास में? 21. ओके, सो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 21. दैट मींस कि इतना उसने करेक्ट किया है. आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है. बट सी डिड नॉट पास द टेस्ट. बट उसका टेस्ट पास नहीं हुआ. टेस्ट पास नहीं हुआ बिकॉज शी गोट लेस देन 60% ऑफ द प्रॉब्लम्स राइट. बिकॉज उसके 60% से लेस मार्क्स आए हैं. How many more questions she would have to needed to answer correctly to earn a 60% passing grade? कह रहे कि अगर उसको 60% marks चाहिए थे, तो उसको कितने और questions correct करने थे? तो पहले ये देखते कि उसने correct कितना किया है, ठीक है? और 60% इसका कितना बनेगा? अगर हम इसका 60% देखते हैं, तो कितना बनेगा? Yes, this will be 45 चाहिए उसको, okay? अब उसने कितना solve किया देखते हैं. Yes, this is 19, 20, 40. That means कि उसने कितने correct करें? 40. चाहिए कितने? 45. That means कि required more correct questions. Correct questions उसके कितने और correct होने चाहिए? 45 चाहिए, उसने करे 40. That means कि 5 more questions are required to be correct. Okay, so your answer will be option C. Option C, 5 will be the correct answer. Done? हाँ जी, बताइए किसी को यहाँ तक, किसी को कोई भी doubt? कोई भी doubt? Okay, फिर next question देखें. Yes, next question देखते हैं. हाँ जी, next question से पहले एक important information. जो students CSET का complete course join करना चाहते हैं, उनके लिए अभिपीडिया एक complete course लेके आया है, जिसके अंदर आपका complete syllabus cover कराया जाएगा. And this is a live course. Live course, you can resolve your doubts directly. Okay? तो आप इस live course को join कर सकते हैं. Description के अंदर link given है. Yes, live classes है, 100+ live classes हैं इसके अंदर. और जो भी students इसको join करना चाहता है, वो इसको join कर सकते हैं. Done? अब बात ये है कि एक तो live classes मिल रही है आपको, उसके अलावा क्या मिल रहा है? इसके अलावा मिल रही है आपको एक टेस्ट सीरीज ऑफ 20 क्वेश्चंस. दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री विद दिस कोर्स. कोर्स के साथ में आपको एक टेस्ट सीरीज मिल रही है ऑफ 20 टेस्ट्स. ओके, इसके अलावा
जो प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं वो हर एक लेक्चर के साथ में अटैच है। अब जैसे लेक्चर है, मान लीजिए अभी जैसे अपना परसेंटेज का लेक्चर चल रहा है, तो परसेंटेज के साथ में अगर आपको साथ में एक 20 मार्क्स का टेस्ट मिल जाता है, देन आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। एंड अगेन यू हैव ए फैसिलिटी कि आप अगर आपको कोई टेस्ट में डाउट आता है या क्लास में डाउट आता है, देन देयर आर डाउट सेशंस कि आपका वहाँ पे आपका डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ओके, यस, वेब नोट्स आर आल्सो अटैच्ड विद ईच लेक्चर एंड लेक्चर पीडीएफ इज आल्सो अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स। सो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं सी सेट, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। एंड यू कैन आल्सो गेट 3 डेज फ्री ट्रायल, 3 डेज का फ्री ट्रायल है, चेक करिए अच्छे से, उसके बाद आप ज्वाइन करिए। ओके, अगर कोई डाउट आता है देन इन द डिस्क्रिप्शन देयर इज ए कॉन्टैक्ट नंबर आल्सो अवेलेबल, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर। डन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, चलिए। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट वॉज डिक्रीज्ड बाई 10%, प्राइस क्या है डिक्रीज हो रहा है बाय 10%, देन द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज्ड बाय 30%, तो सेल कितनी इंक्रीज हो रही है, 30% इंक्रीज हो रही है, देन व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन टोटल रेवेन्यू, कह रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन आई होप सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है क्वेश्चन। अब आज बात करते हैं कि कैसे करेंगे। अब देखो, जब भी आपको 2% दिखाई दे रही है जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली अप्लाई सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हो। तो नेट चेंज कितना आएगा आपके पास में, नेट चेंज कितना आएगा, दिस इज डिक्रीज दैट मीन्स क्या करेंगे माइनस, दिस इज इंक्रीज दैट मीन्स प्लस, प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, सो इट इज 20 - 3 17%। ओके, कितना आ गया आपके पास, ऑप्शन डी 17% इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये तो हो गया बाई डायरेक्टली, अगर हमने सक्सेसिव लगा दिया आपका आंसर आ गया। अब एक बार डिटेल में भी बता देती हूँ मैं, एक बार डिटेल में कर लेते हैं। क्या है, एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो गया। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस हाँ जी प्राइस क्या कह रहा है, डिक्रीज हो गया बाय 10%, दैट मीन्स कि नाउ इट इज ओल्ड, इट वाज 100 एंड नाउ इट इज 90। पहले जो प्रोडक्ट 100 रुपए का आता था, अभी कितने का है, 90 रुपीज का। एंड सेल इंक्रीज बाय 30%, दैट मीन्स कि जो सेल है, अगर पहले हमारे 100 प्रोडक्ट्स बिक रहे थे तो अभी हमारे कितने प्रोडक्ट्स सेल हो रहे, 130 प्रोडक्ट सेल हो रहे। दैट मीन्स कि जो टोटल रेवेन्यू है कितना जनरेट हुआ, पहले आपके पास में 100 प्रोडक्ट्स जा रहे थे और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 100 रुपीज, दैट मीन्स इट वाज 10,000 एंड नाउ इट इज, अब देखो इंक्रीज हो रहा है रेवेन्यू या डिक्रीज हो रहा है, ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है। पहले हमारा रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा था, 10,000 का, अभी हमारे पास में रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, 11,700 का, दैट मीन्स कि इंक्रीज है और इंक्रीज कितना है ये आपके पास में 1700 का। अगर हम परसेंटेज की बात करें कि कितना परसेंट इंक्रीज है, तो अगर हम परसेंटेज इंक्रीज चेक करें तो कितना आएगा, दिस इज 700, किसके कंपैरिजन में चेक करोगे, टू द ओल्ड वैल्यू, ओल्ड इज 10,000 इनटू 100, सो दिस इज 17%, 17%, सो आंसर इज सेम 17%। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन तो ईजी थी, ठीक है, अगर आपको लगता है कि रेशियो बना लूँ तो रेशियो भी कर सकते हो, इट विल बी 10:9, ओके, एंड हेयर द रेशियो इज 10:13, ओके, तो उससे भी अपना डायरेक्टली हो जाएगा। देखो अगर मान लो हम इसकी रेशियो कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 10:9, ओके, ये कितना हो जाएगा 10:13। अब अगर ओल्ड और न्यू में कंपेरिजन करना है, दिस इज 100, दिस इज 117, सीधा 17/100 इंटू 100, दैट मीन 17%। जो आपको ईजी लगता है वो मेथड चूज करिए। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये सिंपल ही आ जाएगा,
ये आपके पास में परसेंटेज इंक्रीज विल बी इक्वल टू 17%। नेक्स्ट देखें, अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिन भी आप सोर्स के थ्रू अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए हो आप उसके ऊपर शेयर जरूर कर देंगे। इसके अलावा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑन द टेलीग्राम ग्रुप देर आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट अगेन यू कैन शेयर द क्वेश्चन ऑन द टेलीग्राम। सो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। डन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज रिड्यूस्ड बाई 10%। मंथली इनकम एक पर्सन की रिड्यूस हो रही है बाई 10%, बाई हाउ मच शुड ही रिड्यूस हिज मंथली इनकम टू बी रेज्ड सो एज टू ब्रिंग एट पार विद द ओरिजिनल इनकम। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे हमारे माइंड में आता है कि जितना डिक्रीज हुआ उतना ही इंक्रीज कर देते हैं तो वो बराबर आ जाएगा, बट नहीं, ऐसा है कि अगर हम प्रीवियसली चेक करते हैं तो अगर मैं कहूँ कि जो ओल्ड इनकम थी वो कितनी थी 100, ओके, अब रिड्यूस हो गई, दैट मीन्स कि जो न्यू इनकम है दैट इज 90। अब उसको वापस कितना पहुंचाना है 100, वो क्या कह रहा है कि प्रीवियस पे लेके आना है, दैट मीन्स कि उसको कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज बाई 10। बट क्वेश्चन इज नॉट कि हाँ जी उसको 10 इंक्रीज करना पड़ेगा, क्वेश्चन कि कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा, मेन पॉइंट इज परसेंटेज। तो जब आप इसको परसेंटेज फाइंड आउट करोगे, नाउ यू हैव टू कंपेयर इट विद द न्यू इनकम, क्योंकि इससे इंक्रीज करेगा ना, इससे इंक्रीज करेगा, सो यू विल डिवाइड इट बाई 90 into 100 एंड 1/9 इज इक्वल टू 11:1/9%। सो आंसर इज 11:1/9%। ओके, कोई डाउट किसी को? सिंपल है, जब भी परसेंटेज ये जरूर चेक करना कि हम परसेंटेज जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो किसके कंपैरिजन में फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, इसी से ही आपका आंसर चेंज हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमें उसने इंक्रीज करना किसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में इंक्रीज करना है, जब इनके रेफरेंस में इंक्रीज करना है दैट मीन्स कि डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम 90 करेंगे। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660। दो नंबर्स का डिफरेंस आपके पास गिवन है, इफ 7.5% ऑफ वन नंबर इज 12.5% ऑफ द अदर नंबर देन फाइंड द टू नंबर्स। कह रहे बताओ दो नंबर्स कौन कौन से हैं, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। यस, एक तरह से आपका नंबर्स और आपका नंबर सिस्टम परसेंटेज दो तीन चीज़ें यहाँ पे कंबाइन हो गई। देखो, हम अगर कंसीडर करते हैं कि हमारे पास में दो नंबर है, वन इज एक्स एंड सेकेंड इज वाई, ठीक है, एंड क्या कह रहा है वो, इट इज गिवन एंड द सेकेंड पॉइंट इज गिवन दैट इफ 7.5% जो लिखा हुआ वही लिख दो ऑफ फर्स्ट नंबर इज 12.5% ऑफ सेकेंड नंबर, यही गिवन है आपके पास, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 25 की टेबल से जा रहा है, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 5/3 वाई। एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास में, दिस इज 5/3 वाई। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 5/3 y - y इज इक्वल टू 1660, दैट मीन्स 2/3 y इज इक्वल टू 1660। सोल्व करिए, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, डायरेक्टली भी कैंसिल आउट करो कर सकते हो आप, ठीक है, दिस इज 2/3। y की वैल्यू आ गई आपके पास 2490। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो क्या करेंगे, 1660 प्लस y, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इसमें 1660 को ऐड कर दीजिए, 05, ओके, वैसे तो ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है एक वैल्यू है वो वही है, तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको जरूरत नहीं है फाइंड आउट करने की, बट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, दो चीज़ें, अभी हम जस्ट टेस्ट नहीं सोल्व कर रहे, ना ही हम क्या कर रहे हैं
के एग्जाम में। अभी हमारे पास में टाइम पूरा है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं देन फोकस ऑन ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ओके, ऐसा नहीं है कि हाँ जी डायरेक्टली इसको स्किप करो आगे बढ़ो, नहीं। नेक्स्ट देखिए फिर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है? द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एवरी ईयर बाई 10%। कह रहे हर साल उसकी वैल्यू 10% डिक्रीज हो रही है। एंड इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 50,000 देन मशीन वैल्यू विल बी आफ्टर टू ईयर्स के बाद मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी। अब देखो, जब भी बात करते हैं हम डेप्रिशिएशन की, डेप्रिशिएशन दैट मीन्स व्हाट, कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। अगर मान लो एक मशीन आज 100 रुपए की है और ये क्या कह रहा है कि भी 10% उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है हर साल, दैट मीन्स कि कितने की रहेगी, 90 की रहेगी, यही कह रहे हैं। सिंपल है, क्या करेंगे हम, हमारे पास में जो न्यू प्राइस होगा वो कितना होगा, जो वैल्यू है कितनी रहेगी, अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या कह रहा है वो 50,000 है। हमारे पास गिवन कितना है, 10% डिक्रीज। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, हर एक कोई भी आपके पास में वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 100% होती है, 100% है। और अब यहाँ पे जो मशीन है, मशीन भी मींस की पूरी 100% करेक्ट है, उसकी वैल्यू पूरी 100% है, ठीक है। बट जब वो 10% डिक्रीज होगी दैट मीन्स की कितनी होगी, 90। सो दिस इज 90%, परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाई 100, 90%। ओके, सॉल्व करेंगे, 4 जीरो के साथ में कैंसिल होगी, ये हो गया आपके पास में 5 into कितना आ गया। ओके, क्लियर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये 4500, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंग्लिश एग्जामिनेशन द एवरेज फॉर द एंटायर क्लास वाज 80 मार्क्स। अब देखो यहाँ पे एवरेज का भी कंसेप्ट यूज हो रहा है, परसेंटेज का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, दोनों कंसेप्ट को मिक्स किया हुआ है। एवरेज का कंसेप्ट सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एवरेज गिवन है, एवरेज गिवन है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, देन यू कैन फाइंड आउट टोटल। टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, इन एन एग्जामिनेशन एवरेज फॉर द एंटायर क्लास वाज 80 मार्क्स, है पूरी क्लास का 80 है एवरेज। इफ 10% ऑफ द स्टूडेंट स्कोर 95 मार्क्स, 20% 90 मार्क्स, एंड देन व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब देखो, अगर मैं ये कंसिडर करके चलूँ कि पूरी क्लास के अंदर टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, अब 100 क्यों कंसिडर किया मैंने, रीजन बीइंग कि यहाँ पे सारा डाटा मेरे पास परसेंटेज में गिवन है कि 10% स्टूडेंट, 20% स्टूडेंट, तो हमें इजी हो जाएगा। ओके, सो अगर हम कहते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स आर 100, ओके, तो टोटल क्लास के मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास इज इक्वल टू 100 into 80, दैट मीन्स दिस इज 8,000। एवरेज गिवन है ना आपके पास, एवरेज इज 80 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 100, टोटल कैसे निकलेगा, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ गया, 8,000 मार्क्स हैं टोटल पूरी क्लास के। ओके, अब बात आ रही है कि 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, जो 10% है 100 में से, आउट ऑफ 100 10%, दैट मीन्स कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने होंगे, 10 इंटू कितना कहा उसने, कितना स्कोर किया है, 95, तो हम इसको 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पे एक स्टूडेंट के अगर 95 आए हैं तो 10 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हो गए, 950 हो गए। ओके, नाउ उसने कहा 20% स्कोर 90 मार्क्स, सो 20% का मीनिंग क्या हो गया, 100 में से 20%, दैट मीन्स कि 20 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने होंगे, यस 20 स्टूडेंट्स हैं। वन स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, वन स्टूडेंट के मार्क्स कितने गिवन है, 90, दैट मीन्स कि 20 के कितने हो गए, 1800। ओके, अब जो रिमेनिंग है, हाँ जी रिमेनिंग कितना रह गया आपके पास, 10% 20%, दैट मीन्स टोटल 30% के मार्क्स तो हमें पता है, रिमेनिंग रह गए कितने,
70%, ओके, दैट मीन्स कि 100 का 70% कितना हो गया, 70 स्टूडेंट, और 70 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने होंगे, टोटल के अंदर से अगर मैं इन 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बचे हुए मार्क्स आ जाएंगे 8000 माइनस, इसका अगर हम देखते हैं, दिस इज 05987, ओके, एंड यू विल माइनस, तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज, ओके, यही आएगी, देखो चेक करो, यस, इतना ही आएगा, यस. अब बात आ रही है कि हाँ जी एवरेज क्वेश्चन क्या, व्हाट वाज द एवरेज मार्क्स, सो एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे आपके पास में जो टोटल मार्क्स हैं, अब यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके पास में इतने, टोटल स्टूडेंट्स कितने, सॉल्व करो, एंड दिस इज 75, कितना आएगा 75, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके. हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है तो सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे. जो न्यू यूजर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है. इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल पे सभी ने क्लिक करना है, सो दैट कि जो भी न्यू वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आ जाए, ओके. सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. ऑल द इम्पोर्टेंट लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम लिंक, ओके, इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक, सारे के सारे. इसके अलावा जो कंप्लीट कोर्स है उसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो, ओके. इवन एक कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी इन दैट केस, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एट दैट नंबर, ओके. सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लास इज ओवर.